finishes off in style. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के मोस्ट अवेटेड मैचों में से एक मैच कल बेंगलोर के एम चन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया और यह मैच था विराट कोहली के आरसीबी और रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस के बीच। इस मैच के काफी रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन दर्शकों को निराशा ही हाथ लगी और काफी हद तक यह मैच एक तरफा ही रहा। टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को गेंदबाजों ने काफी हद तक सही साबित भी किया। क्या मुंबई इंडियंस के साथ कैमरॉन ग्रीन के रूप में 17.5 करोड़ रुपए का मजाक हुआ है? क्या किंग कोहली की आरसीबी इस साल खिताब जीत पाएगी? क्या कुछ निकलकर सामने आया इस मैच से? आइए आपको बताते हैं इस आईपीएल हाइलाइट्स में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस को तीसरे ओवर से ही जो झटका लगना शुरू हुआ वह पारी के खत्म होने के बाद ही खत्म हुआ। ईशान किशन, रोहित शर्मा, कैमरॉन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव, ये चारों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 9 ओवर से पहले ही पैवेलियन में वापस जा चुके थे और अभी रन बने थे सिर्फ 48। इतने खतरनाक बैटिंग लाइनअप के साथ आईपीएल में मुंबई इंडियंस 6 का रन रेट भी मेंटेन नहीं कर पा रही थी। भाई साहब, कैमरॉन ग्रीन का बोल्ड होना मुंबई की छाती पर किया गया सबसे करारा प्रहार था, लेकिन भला हो तिलक वर्मा का जिसने अपनी एक यादगार पारी खेलकर मुंबई को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। उन्होंने विकेटों के पतझर के बीच 46 गेंदों पर नाबाद 84 रनों की पारी खेली जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। 5.2 ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए थे। उस समय टीम का स्कोर था सिर्फ 20 रन। वहां से उन्होंने मुंबई को 170 के पार पहुंचा दिया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ चौथे विकेट के लिए 28 रनों की साझेदारी की। इसके बाद नेहल बढ़ेड़ा के साथ 5वें विकेट के लिए 30 गेंदों पर 50 रन जोड़े। फिर उन्होंने अरशद खान के साथ 7वें विकेट के लिए 18 गेंदों पर नाबाद 48 रनों की पार्टनरशिप की। बिना किसी शक के यह तिलक वर्मा का वन मैन शो था और यह पहली बार नहीं है जब तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस की लाज बचाई हो। वो पिछले सीजन में भी ऐसा ही कारनामा कर चुके हैं। फाइनली 20 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर मुंबई की पारी 171 रनों पर समाप्त हुई। आरसीबी के लिए यह एक कंबाइंड बॉलिंग परफॉर्मेंस था और अब बारी थी आरसीबी के बल्लेबाजों की। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की जोड़ी ने 14 ओवर और 5 गेंदों के बाद ही 148 रन जोड़ चुके थे। फाफ डू प्लेसिस 43 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 170 का रहा। वहीं विराट कोहली 49 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 168 का रहा। ग्लेन मैक्सवेल 3 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 12 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन दिनेश कार्तिक अपना खाता नहीं खोल सके। मुंबई इंडियंस के लिए अरशद खान और कैमरॉन ग्रीन को एक एक विकेट मिला। इस मैच में विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उससे लग रहा था कि आरसीबी इस सीजन कुछ अलग इंटेंट के साथ खेलने वाली है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब आरसीबी ने इतनी बेजोर शुरुआत किया हो। समस्या बीच के मैचेस में आ जाती है और यह टीम प्लेऑफ तक जाते जाते पिछड़ जाती है। उम्मीद है कि इस बार ऐसा कुछ भी ना हो। तो आरसीबी के फैंस, यह मैच आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। और मुंबई इंडियंस के फैंस को एक बात जरूर समझनी चाहिए कि मुंबई की टीम हमेशा एक स्ट्रांग कमबैक करने के लिए जानी जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए मैच हाइलाइट्स के साथ।